नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर टेक्स यूट्यूब चैनल। आपके सामने एक मोबाइल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 100% चार्जिंग बताई दे रहा है और कोई चार्जिंग लगाया हुआ नहीं है, तो अभी इसके अंदर 100% चार्जिंग बता रहा है। ये मोबाइल है MI 5 है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम कैसे होती है ये पूरा डिटेल से आपको ये वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो के अंदर पूरा बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट दे दो। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। इसके बैक साइड में देखिए, ये एक 010 करके कंपोनेंट आता है, इसके साइड में एक IC आती है और वहाँ पे ऊपर 3 कंपोनेंट आते हैं IC के ऊपर, 1, 2, 3 और तीसरे नंबर का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से पूरा जूम नहीं हो रहा है, मैं सही से जूम करके बताता हूँ एक बार। अभी देखिए, अभी आपको मैं फिर से जूम करके बताऊंगा, यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिखाई दे आपको। देखिए ये एकदम जूम किया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्ट के पास में 010 करके कंपोनेंट है, इसके पास में ये IC है, IC के ऊपर 3 कंपोनेंट है और तीसरे नंबर का कंपोनेंट नहीं है। तो ये तीसरे नंबर का कंपोनेंट अपने को लगाना है, और ये निकाला क्यों जाता है इसके बारे में भी पूरा बताऊँगा मैं। बैटरी टेम्परेचर टू हाई और 10 सेकंड में मोबाइल बंद हो जाता है, तब ऐसी प्रॉब्लम आने पर ये कंपोनेंट बाहर निकाला जाता है। ये कंपोनेंट निकालने के बाद ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, 100% चार्जिंग बताने लग जाता है और ऑटोमेटिक चार्जिंग होने लग जाता है, ऑटोमेटिक चार्जिंग बताता है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आज ये वीडियो के अंदर बताएंगे। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट नहीं है तो दूसरा एक और मदरबोर्ड लेंगे अपने, वो मदरबोर्ड के अंदर आपको जूम करके बताऊँगा कि ये कंपोनेंट कहाँ से निकालना है। तो ये देखिए 010 वाली IC है, 010 वाला कंपोनेंट है और इसके बाजू में इसके साइड में एक IC है, IC के ऊपर देखिए तीसरे नंबर वाला कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट अपने यहाँ से निकाल देंगे। कैपेसिटर है इसको, ये तीसरे नंबर वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को यहाँ से अपने निकाल देंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर को यहाँ से निकाल के अपने वो वाले पीस में डाल देंगे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के अपने यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या बता रही है, ठीक है। अपने को बजट की रेंज में चेक करना है, बजट की रेंज में रख के ये कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये कैपेसिटर की रेंज अपने 400 से 600 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। बजट पर रख के ये कैपेसिटर की रेंज अपने चेक कर लेंगे और ये कैपेसिटर की रेंज अपने 400 से 600 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। 400 से 600 के बीच में आओगी तो अपना ये कैपेसिटर सही है। देखिए यहाँ पे 400 से 600 के बीच में आ रही है, 518, 520 ऐसी कुछ बता रही है, 520 बता रहा है, 520 आ रही है, मतलब ये 400 से 600 के बीच में है, मतलब ये आपका कंपोनेंट सही है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर यहाँ से निकाल लेंगे, ये मैंने यहाँ से कैपेसिटर निकाल लिया है। अब यही कैपेसिटर आपको वो वाले मोबाइल में डालना है, वो वाले मदरबोर्ड में डालना है। तो पहले इसकी अपने मीटर पे रेंज चेक कर लेंगे, निकालने के बाद चेक करते हैं, ताकि अब ये कैपेसिटर की रेंज अपने निकालने के बाद चेक करते हैं। वो टाइम पे निकालने के बाद क्या है, सही से परफेक्ट रेंज बताती है कि कितनी रेंज का कैपेसिटर है।
ठीक है, मैं लगा के देख रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये क्या है, सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सही से टच नहीं हो पा रहा है, तो रेंज सही से चेक नहीं हो पा रही है यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, अभी अपने जो बोर्ड में ये कैपेसिटर डालना है वो बोर्ड में यहाँ से लेके डाल देंगे या कैपेसिटर। ठीक है, 400 से 600 की रेंज का कोई भी कैपेसिटर आप यहाँ पे डाल सकते हो। बजर पे लगा के चेक कर लेने का है, बजर पे लगा के चेक कर लेना है, और उसके बाद अपने 400 से 600 की रेंज में जो कैपेसिटर आवे वो कैपेसिटर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अरे, यहाँ पे ये कैपेसिटर डाल दिया है। देखिए, आपको जूम करके बताता हूँ, कैपेसिटर परफेक्ट लग चुका है, कंप्लीट। ठीक है, अभी अपने बोर्ड को चालू करके देखते हैं अपना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। कनेक्ट करके देख लेते हैं, अभी अपने मोबाइल चालू करके देख लेते हैं कंप्लीट अपना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। अब अपने बोर्ड चालू करेंगे, बोर्ड चालू करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। ठीक है, चालू कर दिया मैंने। देखिए, यहाँ पे चार्जिंग बता ही नहीं रहा है, ऑटो चार्जिंग पहले ले रहा था, अभी ऑटो चार्जिंग बता ही नहीं रहा है। कंप्लीट अपना मोबाइल कोई ऑटो चार्ज नहीं ले रहा है। देखिए, कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको अपने चार्जिंग करके भी बताएंगे कि मोबाइल, देखिए मैं चार्जिंग करके भी बताता हूँ, इसके अंदर चार्जिंग ऑटोमेटिक ले रहा है कि ले रहा है। देखिए, चार्जिंग करते तब चार्जिंग ले रहा है, और जैसे चार्जिंग से निकालेंगे, अभी देखिए चार्जिंग बता रहा है, चार्जिंग से निकालेंगे और चार्जिंग रिमूव हो गया। देखिए, मतलब ऑटो चार्जिंग नहीं ले रहा है। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट दे दो।